Student, now we will study an important aspect of this chapter, algebraic conditions for number of solutions. ये बेहद important point है इस chapter का. हमने देखा कि algebraically जब हम solution या graphically solution निकालें तो हमारे कभी solution आते ही नहीं, जिसे हम null solution कहते हैं, और कभी सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन, वन कॉमन सॉल्यूशन मिलता है दोनों इक्वेशन का, जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं. एंड कभी कभी हमें बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं. तो ग्राफ पर तो हमने देखा अगर दोनों लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो सॉल्यूशन यूनिक होता है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और अगर दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं तो उस केस में हमें कोई भी सॉल्यूशन ऑब्टेन नहीं होता, और अगर दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे पर कॉन्सिडेंट हो जाती हैं तो इस केस में हमें क्या मिलता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. लेकिन एल्जेब्रिकली अगर हमें देखें, एल्जेब्रिकली कंडीशंस को देखें कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन में कैसी आएंगी, तो उसके लिए हमें एक टेबल को स्टडी करते हैं. इससे करने के लिए सबसे पहले आप अपने इक्वेशन में कुछ रेशियोस को निकालेंगे. वो रेशियो क्या होंगे, अपनी दोनों इक्वेशन के a1, b1, c1, a2, b2, c2 की वैल्यू आप पहले लिखेंगे, उसके बाद a1 अपॉन में a2, ये a1 अपॉन में a2 ये रेशियो निकालेंगे. देन नेक्स्ट रेशियो आप b1 अपॉन में b2 निकालेंगे, b1 अपॉन में b2 नेक्स्ट रेशियो. एंड अगेन थर्ड रेशियो विल बी c1 अपॉन c2, इनकी वैल्यूज आप लिखेंगे और इन रेशियो को आप कंपेयर कराएंगे. इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर आपका फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो यानी a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं आता है b1 अपॉन b2 के, तब आप लिख सकते हैं कि लाइन के क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन. लाइन कैसी होगी, यूनिक सॉल्यूशन वाली होगी. और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी, दोनों इक्वेशन की लाइन L1 L2 एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, जो कि हमारा सॉल्यूशन होगा. और इक्वेशन कैसी कहलाई जाएंगी, कंसिस्टेंट, क्योंकि अगर इक्वेशन आंसर देती है तो उन्हें कंसिस्टेंट कहा जाता है. एक एग्जाम्पल से इसे स्टडी करते हैं. हमारी इक्वेशन दी हुई है x-2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0. यहां पर a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू 3, तो a1 अपॉन a2 इज 1 अपॉन 3. b1 की वैल्यू यहां पर है -2 एंड b2 की वैल्यू है 4, तो b1 अपॉन b2 इज -2 अपॉन 4, दैट इज -1 अपॉन 2. एंड c1 अपॉन c2, c1 यहां पर है नहीं कॉन्स्टेंट टर्म, तो वो 0 हुआ. एंड c2 की वैल्यू -20, दैट इज 0 अपॉन -20. तो 1 अपॉन 3 जो है -1 अपॉन 2 के, कटने के बाद -1 अपॉन 2 आएगा, इक्वल नहीं है. तो इस तरह की इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, कंसिस्टेंट आएंगे, और ग्राफ पर वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी. सेकेंड टाइप, अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हमारे आते हैं तो वो किस तरह का रेशियो होगा, उस केस में आपका रेशियो a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 = c1 अपॉन c2. यानी कंडीशन आपकी दिस, ये कंप्लीट आपका रेशियो क्या होगा, यानी a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 = c1 अपॉन c2 होंगे. इस तरह की लाइन ग्राफिक ग्राफ पर हमने देखी वो क्या होती है, कॉन्सिडेंट लाइन होती है, यानी एक के ऊपर एक लाइन लाई करती है. तो यह इस केस में हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे और जो कंसिस्टेंट कहे जाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन तो मिल रहे हैं तो ये इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी. इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं. इक्वेशंस अगर है हमारी 2x + 3y - 9 = 0 एंड 4x + 6y - 18 = 0. यहां पर a1 की वैल्यू 2, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b1 की a2 की वैल्यू 4, 2 अपॉन 4, दैट इज 1 अपॉन 2. सेकेंड, b1 = 3 एंड b2 = 6, 3 अपॉन 6, दिस विल ऑल्सो कम 1 अपॉन 2, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1 upon 2, 1 upon 2. और थर्ड, c1 upon c2 is -9 upon -18. माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और 9 upon 18 is 9 1s are 9, 9 2s are 18, 1 upon 2 अगेन. तो ये तीनों फ्रैक्शन यानी a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 इक्वल आ गए. इस तरह की इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे.
ये कंडीशंस हमें याद रखनी है कि यूनिक सॉल्यूशन में हमारी किस तरह की कंडीशन आएगी, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, ए वन अपॉन ए टू अब इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, एंड लास्ट नो सॉल्यूशन का केस क्या आएगा, तो नो सॉल्यूशन के केस में ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू ये तो आएगा, लेकिन नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, यानी शुरू के दो फ्रैक्शन तो इक्वल होंगे, थर्ड फ्रैक्शन इक्वल नहीं होगा। दिस इज ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। इस तरह की इक्वेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, पैरेलल लाइन, यानी दोनों लाइन वन एंड लाइन टू इक्वेशन नंबर वन की लाइन इक्वेशन नंबर टू की लाइन ग्राफ पर पैरेलल होंगी, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इस केस में हमारा क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, और इक्वेशन जब सॉल्यूशन नहीं देती तो उन्हें क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। एक एग्जांपल से देखते हैं, इक्वेशन हमें यहां पर इस केस में दे रखी है x प्लस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो और सेकेंड इक्वेशन टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। यहां पर ए वन अपॉन ए टू कितना होगा, वन अपॉन टू, दिस बी वन अपॉन बी टू इज टू अपॉन फोर, टू अपॉन फोर एंड अगेन यहां पर डिवाइड होने के बाद वन अपॉन टू, तो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, बट सी वन अपॉन सी टू इज माइनस फोर अपॉन माइनस ट्वेल्व, जो कि कटने के बाद माइनस से माइनस कैंसिल आउट, फोर अपॉन ट्वेल्व दैट इज वन अपॉन थ्री, वन अपॉन टू वन अपॉन टू वन अपॉन थ्री, तो ए वन इज ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। इस तरह की इक्वेशन को हमें नो सॉल्यूशन गिव देती है। तो यहां पर हमें अपनी तीनों कंडीशन बिल्कुल याद रखनी होंगी कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या एल्जेब्रिकली कंडीशन है, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, यानी तीनों फ्रैक्शन क्या होंगे, वो बराबर आएंगे। तो अब इन सारे कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम अब ट्राई करते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में।